أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میتھمیٹکس کلاس 3 لیکچر نمبر 1. ٹوڈے دا ڈیٹ از 5/8/2020 اینڈ دا ڈے از وینسڈے. Today we are going to learn topic place value of 3, 4, 5 digit number, number name up to 5 digit number with the help concept of place value. SLOs, student can easily identify the place of any number, student can easily read two difficult number. Yani kitna hi mushkil number ho, student usko easily read kar lenge aur uski place judge kar payega, theek hai. आज नया टॉपिक है नंबर नेम्स और 5 डिजिट नंबर. वो सिखाने से पहले मैं आपको प्लेस वैल्यू का एक दफ़ा मज़ीद क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको आपके जो सारे भी क्वेश्चंस हैं माइंड में वो क्लियर हो जाए. ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले है प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन. आपको पहले बता दूँ, प्लेस शोज द पोजिशन. प्लेस शो करती है पोजिशन यानी जगह ऑफ एनी डिजिट इन नंबर. ठीक, किसी भी नंबर में जितने डिजिट्स होते हैं हमें प्लेस जो है वो पोजीशन बताती है किसी भी डिजिट की उस नंबर के अंदर. नोट डाउन योर होम असाइनमेंट. हाउ द डिजिट इज व्हाट, जबकि प्लेस वैल्यू ये बताती है कि अपनी प्लेस के लिहाज से जो डिजिट है उसकी क्या वैल्यू बनती है. ठीक है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देती हूँ. जी स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 डिजिट नंबर हमारे पास, तो ये हमारे पास होती है प्लेस. ठीक है, और सबसे पहले हमारी प्लेस वैल्यू कहाँ स्टार्ट होती है, वंस देन टेंस एंड देन हंड्रेड, और हंड्रेड के बाद ऐसे ही आपको सो ऑन प्लेस वैल्यू बढ़ती रहती है. ठीक है, तो ये जो वंस है, सेवन जो है वो वंस की प्लेस पे है, इस तरह जो फाइव है वो टेंस की प्लेस पे है, और जो फोर है वो हंड्रेड की प्लेस पे. अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू कैसे मालूम होगी, क्योंकि वंस रिप्रेजेंट करता है सिंगल डिजिट को, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 × 1 = 7. तो इसकी जो प्लेस है वो हमारे पास क्या है, 7. ये किस प्लेस पे है, 10 की प्लेस पे है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 × 10, यानी इसकी जो प्लेस वैल्यू हमारे पास बनेगी वो क्या हो जाएगी, 50. तो ये हमारे पास क्या है, प्लेस वैल्यू. इट्स टाइम टू लर्न टेबल्स. अगर हम 4 की प्लेस वैल्यू देखें, यू हैव टू लर्न टेबल ऑफ 2 एंड 3. आपको 2 एंड 3 का टेबल बहुत अच्छे से याद करना है. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. आई होप कि अब आपको प्लेस और प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. प्लेस क्या शो करती है, वंस टेंस हंड्रेड. ठीक है, जगह इसकी पोजीशन शो कर रही है किसी भी नंबर की, जैसे 4 की प्लेस है 100. इस तरह जो प्लेस वैल्यू वो है इसकी, जब हमने 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या है, 400. तो ये इसकी क्या होगी, है प्लेस वैल्यू. ठीक है जी स्टूडेंट, अभी हमने 3 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू सीखी, अब हम 4 डिजिट की देखते हैं. तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4. तो प्लेस वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से. तो लेफ्ट टू हम राइट की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट पे है 5, तो हमारी प्लेस वैल्यू स्टार्ट होगी यहाँ से, 1, देन 10, 100, और 100 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000. ठीक है, तो हमारे पास अगर देखें कि 2 की प्लेस हमारे पास क्या बनती है, तो वो है 1000, और अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या बनेगी, 2 × 1000 = 2000. ठीक है, तो ये हमारे पास 2 की क्या होगी, है प्लेस वैल्यू, जबकि इसकी प्लेस हमारे पास क्या थी, 1000. ठीक है, इसी तरह अगर हमने 5 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड कर मालूम करनी है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे ये 4 डिजिट नंबर है, मैं इसके आगे कोई भी एक नंबर और लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया 4, तो मुझे इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे पास 100 के बाद आया 1000, 1000 के बाद मेरे पास नेक्स्ट क्या आएगी प्लेस, 10000. ठीक है, यानी मैं जब 1000 को 10 टाइम्स प्लस करूँगी जब, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 10000 बन जाएगा. ठीक है, तो हम मैं कैसे इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करूँगी, कि मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगी 10000 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 40000. ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी क्या हो गई है, प्लेस वैल्यू, और ये मेरे पास इसकी क्या है, प्लेस. जी स्टूडेंट्स, हम प्लेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं
ताकि हमारे पास, क्योंकि मैथ में बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी होते हैं तो हमें उसको ईजीली पढ़ना आ सके। जब हम बहुत बड़े नंबर होते हैं तो हमारे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाते हैं, तो लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू हमारे लिए वो नंबर रीड करना आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 7। आप देख रहे हैं कि मैंने एक चार्ट बना लिया है और उसमें मैंने डिफरेंट नंबर्स लिख लिए हैं और जो मेरे पास मैंने प्लेस यहाँ पे मेंशन की है वो मैंने मेंशन की है 10,000। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे 7 जो डिजिट है उसकी मुझे प्लेस फाइंड करनी है हर रो में। तो हमारे पास सबसे पहले है 7 और जो उसकी प्लेस है वो है 1s। तो डैट्स मीन इसकी जो प्लेस बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, 7 × 1 = 7। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रो है उसमें हमारे पास है 74। तो हमें क्योंकि पोजीशन फाइंड सिर्फ 7 की करनी है, तो 7 आप देखें 7 कौन से कॉलम में है, 10 से कॉलम में। तो डैट्स मीन यहाँ पे हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 7 × 10 = 70। ठीक है, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 70। नेक्स्ट रो में हमारे पास है 716। तो इसमें जो 7 है वो हमारे पास है 100 से कॉलम में, तो डैट्स मीन हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 700। उसके बाद नेक्स्ट रो में हमारे पास है 7349। तो हमारे पास जो 7 है वो किस रो में है, 1000 में, 1000 की रो में है, तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 7000। इसी तरह लास्ट रो में हमारे पास जो 7 है वो हमारे पास है 10,000 कॉलम में, तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 70,000। आई होप कि इस चार्ट के बाद आपको प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है नंबर नेम। नंबर नेम ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विद कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। अब हम प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट से जो हमारे पास नंबर्स हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट नंबर हो अगर, तो हम उसको कैसे उसका नंबर नेम लिख सकते हैं। जैसे 5 डिजिट नंबर का हमने आज कंसेप्ट सीखना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको 3 डिजिट नंबर, फिर देन 4 एंड देन 5 का समझाऊंगी, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल ली है वो 3 डिजिट नंबर लिया है। तो हम सबसे पहले जिसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे वो स्टार्ट होगी 1s, 10s और 100। तो अब हमने इसका नंबर नेम कैसे लिखना है, आप देख रहे हैं कि जो ये नंबर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 100 का एक अलग कॉलम है, और आपने ये बात याद रखनी है कि आपने जो भी नंबर हो, कितना ही डिफ़िकल्ट नंबर क्यों ना हो, आपने उसमें 10s और 1s इन दोनों नंबर्स को आपने मिला के लिखना होता है। ठीक है, ये एक ये जो हमारे पास है वो एक पार्ट बन जाता है, और इसके अलावा जो 100 है वो हमारे पास एक अलग पार्ट बन जाएगा। तो अब हम इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 300। 3 की प्लेस क्या है, 100, तो हम इसको लिखेंगे 300 एंड 45। ठीक है, एंड 45। हमने 1s और 10s के कॉलम को मिला के लिखना है, तो क्या इसका आंसर बना, 300 एंड 45। हमारे पास एग्जांपल है 4 डिजिट नंबर, तो उसमें आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू मेंशन कर दें 1s, 10s, 100s एंड 1000। अब हम इसकी पार्टीशन कर लेते हैं, इसके कॉलम्स बनकर बना के देखें। तो 1000 का है वो हमारे पास एक अलग कॉलम है, 100 का कॉलम हमारे पास अलग है, और 10s और 1s को क्योंकि हम मिला के लिखते हैं तो ये हमारे पास एक अलग कॉलम बन जाएगा। यानी टोटल जो हमारे पास पार्ट्स बनेंगे इस नंबर के वो बनेंगे 3 पार्ट्स। ठीक है, यानी 4000, 500 और 9। तो अब हम इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास 4 है जिसकी प्लेस हमारे पास है 1000, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 4000 नेक्स्ट हमारे पास है 5 की प्लेस क्या है, हमारे पास 100, तो हम इसको लिखेंगे 500 एंड 9। अब यहाँ पे सिर्फ हमने 9 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो 10 का कॉलम है उसमें 0 है, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्ट हम यहाँ पे इसको फिर लिखेंगे 9। और यहाँ पे कोमा डालने की रीज़न क्या है कि हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट्स बन रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहले पार्ट 1000 का था, तो जब मैंने 4000 के बाद कोमा डाला तो डैट्स में कि ये पार्ट मेरा सेपरेट हो गया 100 के पार्ट से। ठीक है, और 100 के पार्ट के बाद जब मैंने एंड डाल दिया, तो उसके बाद डैट्स में कि मेरे 3 पार्ट्स अलग अलग आपके पास नंबर नेम के फॉर्म में आ गए। जी स्टूडेंट, अब लास्ट एग्जांपल जो मैं आपको समझा रही हूँ है 5 डिजिट नंबर की। तो अब हम इसके भी ऐसे ही पार्ट्स करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले देखें
ones, tens, hundreds, thousand and 10,000. तो ये दोनों जो नंबर हैं वो किस पार्ट में आ रहे हैं? थाउजेंड के पार्ट में आ रहे, ठीक है. हमारे पास ये दोनों, ये थाउजेंड का ही कॉलम बनता है, तो हम इन दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है हंड्रेड का, यानी हंड्रेड का कॉलम है हमारे पास. और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास कौन सा पार्ट बन जाएगा? इसका वंस और टेंस का. तो यानी हमारे पास इस नंबर के टोटल थ्री पार्ट्स बन जाएंगे, एक थाउजेंड का पार्ट, एक हंड्रेड का और एक वंस एंड टेंस का, ठीक. तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि जो टेन थाउजेंड के कॉलम में हमारे पास है वो हमारे पास है सिक्स, और जो थाउजेंड के कॉलम में हमारे पास नंबर है वो हमारे पास है ज़ीरो, तो हम इसको मिला के क्या लिखेंगे? क्योंकि दोनों थाउजेंड के ही कॉलम में आ रहे, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे सिक्सटी थाउजेंड. नेक्स्ट हमारे पास है 400, एंड लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है? लास्ट पार्ट से पहले हम क्या डालेंगे? एंड, ठीक है, एंड 56. जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट और नंबर नेम ऑफ फाइव डिजिट नंबर, आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. और अब आपको अगर कोई भी नंबर मिल जाए तो आप उसको ईजीली लिख सकते हैं इन नंबर नेम. जी स्टूडेंट्स, अब ये आपके होम असाइनमेंट है. इसमें आपको क्या करना है कि मैंने आपको फाइव डिफरेंट नंबर्स दे दिए हैं, आपने उनका क्या करना है? राइट द नंबर नेम ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है. आपको ये फाइव नंबर्स मैंने दे दिए, 1, 2, 3, 4 and 5. तो आपने इसका क्या करना है? नंबर नेम लिखने हैं. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. उसमें आपके पास पहली फिल इन द ब्लैंक है, इन नंबर 4, 6, 2, 3 टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ 6. आपने मुझे इसमें क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है. यहाँ पे मैं आपसे प्लेस नहीं पूछ रही बल्कि प्लेस वैल्यू पूछ रही हूँ. नेक्स्ट आपके पास है इन नंबर 3, 4, 5, 7, 0 टेल द प्लेस ऑफ इन सर्कल डिजिट. आपके पास इन सर्कल में थ्री वाला नंबर है, थ्री डिजिट है, तो आपने मुझे इसकी क्या बतानी है? प्लेस. लास्ट में आपने आप मुझे नंबर नेम बताना है. जो मैंने आपको एक गिवन नंबर दिया है, आपने मुझे इसका नंबर नेम बताना है, ठीक है. आपने होम असाइनमेंट अच्छे से करनी है और खुद करनी है. जब आप लेक्चर समझ लेंगे तो आपको उसके बाद अच्छे से समझ आ जाएगी और आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप खुद इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. बेस्ट ऑफ लक.